अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बसपा से इस्तीफा और एक घंटे बाद ही राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता और इसके करीब 6 घंटे बाद ही रालोद का राष्ट्रीय महासचिव बनकर मलूक नागर ने बिजनौर लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण बदल डाले हैं। मलूक नागर बिजनौर से मौजूदा सांसद हैं और बसपा से पिछले करीब 18 साल से जुड़े हुए थे। दरअसल विदुर की नगरी बिजनौर के चुनावी मैदान में भाजपा आरएलडी गठबंधन से चंदन सिंह और बसपा से बिजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं। सांसद मलूक नागर का रालोद का दामन थामना निश्चित रूप से बसपा के लिए बड़ा झटका है। मलूक ने फिलहाल चुनावी माहौल में चंदन चौहान खेमे में नई जान फूंक दी है, लेकिन बसपा अपने कॉडर और मुस्लिमों की वजह से अपनी जीत तय मान रही है। वहीं भाजपा किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद बागपत व बिजनौर सीट को गठबंधन के लिए जीता हुआ मान रही है। पीएम मोदी मेरठ की जनसभा में आरएलडी के चंदन चौहान के लिए वोट मांगकर गठबंधन धर्म निभा चुके हैं। सीएम योगी बिजनौर का दौरा पहले ही कर चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिजनौर में चुनावी सभा कर जनता से चंदन सिंह चौहान को जिताने की अपील कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि बिजनौर लोकसभा सीट पर हमेशा से ही पैरासूट प्रत्याशी जीतता आ रहा है और यही कारण है कि बिजनौर अपेक्षित विकास नहीं कर पाया। अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2019 की तो इस सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। यहां से सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी मलूक नागर ने भाजपा के राजा भारतेंद्र सिंह को करीब 70,000 वोट से हरा दिया था। बिजनौर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें बिजनौर चांदपुर हसनापुर पुरकाजी और मीरापुर सीट बिजनौर लोकसभा सीट के तहत पड़ती है। यहां से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, बसपा सुप्रीमो मायावती, लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार, अभिनेत्री जयप्रदा भी चुनाव लड़ चुकी हैं। 1991 के बाद से भाजपा यहां पर 4 बार चुनाव जीत चुकी है। इस सीट का एक पहलू यह भी है कि यहां हिंदू मतदाताओं की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन चुनाव में मुस्लिम ही निर्णायक भूमिका अदा करते आ रहे हैं। सपा ने यही सोच करके यहां से दीपक सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सैनी वे मुस्लिमों के भरोसे सपा चुनावी मैदान में उतरी है। कुल मिलाकर इस सीट पर जीत का दारोमदार केवल मुस्लिम वोटों पर निर्भर करता है। उसका झुकाव जिधर भी होगा उसका पलड़ा उधर ही भारी हो जाएगा। जहां तक बात छवि की है तो बिजेंद्र सिंह पर सबसे अधिक 139 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें बाइक वोट घोटाले से संबंधित केस भी हैं। बिजेंद्र सिंह ने अपने हलफनामे में 28 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का दावा किया है। वहीं मलूक नागर की साफ छवि भी चंदन चौहान को फायदा पहुंचा सकती है। 2019 में दायर हलफनामे में मलूक ने 250 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया था। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।